हिंदी व्याकरण में वाक्य शुद्धिकरण का अपना एक विशेष महत्व है। अक्सर विद्यार्थी इसे इस प्रश्न को बहुत साधारण प्रश्न मानते हैं और इसे पढ़ने की ओर जरा भी ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर इसी विषय पर बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं। तो आज हम व्याकरण भाग में वाक्य शुद्धिकरण समझेंगे कि वाक्य को शुद्ध करने के लिए हमें किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि वाक्य शुद्धिकरण करते समय हमें मात्राओं का एकवचन, बहुवचन आदि शब्दों को ध्यान में रखकर ही वाक्य शुद्ध करना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों को ध्यान में ना रखेंगे तो फिर हमारा वाक्य कभी भी शुद्ध नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वाक्य शुद्धि करते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से विषयों का ध्यान रखना है। तो साधारण शब्दों में वाक्य में लिंग, वचन, कारक तथा मानक वर्तियों की गलतियां सही करने के लिए अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि विद्यार्थी को भाषा पढ़ते समय इस चीज़ का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि हम जो वाक्य पढ़ रहे हैं, अगर वह वाक्य अशुद्ध है तो उसमें गलती कहाँ है और उस गलती पर हमने कैसे सुधार करना है। एकवचन, लिंग परिवर्तन या फिर कारक जैसे व्याकरण के द्वारा हम वाक्य को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। वाक्य में गलतियां ढूंढकर उन्हें सही करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्य गलतियां ना करते हुए शुद्ध वाक्य ही लिखें। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हम जब वाक्य शुद्ध कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि वह वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है या नहीं। तो यह कौन सही मान सकता है? जिसे भाषा का ज्ञान होता है और वह वाक्य को स्पष्ट रूप से समझ पाता है कि यह वाक्य स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग किस में या एकवचन या बहुवचन किस रूप में सही माना जाएगा। तो इसे हम पूर्ण रूप से समझने के लिए आज हमें कुछ उदाहरण की ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से वाक्य शुद्ध करके लिखे जाते हैं। जैसे सबसे पहला वाक्य है, घर पकवान के खुशबू में तर बतर था। यह वाक्य आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ से ही लिया गया है। तो घर पकवान के खुशबू में तर बतर था, पढ़ते ही इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि वाक्य में कहीं तो कुछ गलती है। तो गलती की को ढूंढते हुए यह स्पष्ट हो रहा है कि घर सही है, पकवान सही है, खुशबू में तर बतर था। तो ये के शब्द जो है इसके द्वारा यह वाक्य अशुद्ध माना जा रहा है। तो हमने घर पकवान की खुशबू से तर बतर था, के और में से को सही करते ही हमारा वाक्य शुद्ध रूप में आ गया। घर पकवान की जगह की शब्द का प्रयोग किया, जब हमने में की जगह से शब्द का प्रयोग किया तो हमारा वाक्य सही हुआ। अब दूसरा है, बबन के आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। बबन के आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। आए वर्ड ऊपर चांद बिंदु है। अक्सर आपने देखा होगा कि आए में चांद बिंदु का उपयोग कम किया जाता है या ना के बराबर होता है। तो यहाँ देखिए, बबन की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। तो यहाँ आए शब्द और की को जब हमने शुद्ध कर दिया तो हमारा पूर्ण वाक्य क्या हो गया? शुद्ध हो गया। तीसरा वाक्य है, बबुल की नज़र उन किताबों में थी जो रद्दी में बेचा जा रहा था। पे शब्द तो यहाँ दिख ही रहा है कि गलत है,
बेचा जा रहा था भी गलत है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हमारा वाक्य सही कैसे होगा। बबुल की नज़र उन किताबों में पे की जगह आएगा पर थी, जो रद्दी में बेची जा रही थी। चौथा वाक्य है, वह ना जगह बताकर मेरा हस्ताक्षर करवा लिया। वह ने जगह बताकर, वह ने मतलब कोई वाक्य शुद्ध नहीं है। उसने, वह ने की जगह आएगा उसने जगह बताकर मेरे हस्ताक्षर करवा लिए। एक लंबी कतार ने मेरा ध्यान आकर्षित कर दिया। अब आकर्षित शब्द, जिसको भाषा का ज्ञान है वो पहले ही समझ जाएगा कि आकर्षित शब्द जो है वो गलत है, लेकिन बहुत से बच्चे इस और ध्यान नहीं देंगे जिनको भाषा का पूर्ण ज्ञान है और वो आकर्षित को इसी तरह रहेंगे, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यहाँ पर ये आकर्षित शब्द जो है वो गलत है। अब लंबी जो है उसको हमने ऊपर डॉट डाल के लंबी शब्द को इस तरह लिखा, और कतार ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया, तो हमारा वाक्य क्या हो गया, सही हो गया। व्यस्तता का यह आलम है कि आदमी सड़क पे चलते चलते फोन कर रहा है। व्यस्तता गलत है। व्यस्तता आपके, व्यस्तता का यह आलम है कि आदमी सड़क पर चलते 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 में देखो कैसे बीच में हाइफन आएगा, फोन कर रहा है। तो ये इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना है कि कहाँ हमें पूर्ण विराम, कहाँ हाइफन, कहाँ कॉमा और कहाँ की शब्द जो है उसका सही उपयोग करना है। प्रेमचंद किसी एक धारा या वाद से बंध कर नहीं चले। एक तो गलत दिख ही रहा है, ठीक है, बंध कर को हमने इकट्ठा कर देना है, ठीक है। प्रेमचंद किसी एक धारा या वाद में बंध कर नहीं चले, से की जगह आएगा में और बंध कर हम क्या करेंगे, सही कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखने वाली बात होती है। अक्सर विद्यार्थी ये समझते हैं कि वाक्य शुद्धिकरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आसानी से हो जाता है, लेकिन इसी में अक्सर हमारे अंक जो हैं वो कट जाते हैं। उनका मूल उद्देश्य समाज के क्रमिक विकास का दर्शन कराना है। उनका मूल उद्देश्य, उद्देशा है, ये देखो ऊपर उद्देशा लिखा था, अगर सब समझेगा कोई तो उद्देश्य आएगा, समाज के क्रमिक विकास के, क की जगह आएगा के, दर्शन कराना है। यह वह भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखी, उस भयावने वन को तो मैंने भी नहीं देखा। गुस्से से कहीं ज्ञान हासिल होता है, ज्ञान शब्द देखो यहाँ गलत है, गुस्से में आएगा, गुस्से में कहीं ज्ञान हासिल होता है। दो एक पत्तों का जोड़ी आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। दो एक पत्तों का की जगह आएगा की जोड़ी, आसमान के की जगह आएगा की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी, क्योंकि देख रही थी स्त्रीलिंग वर्ड है और यहाँ पर का और के को हमने सही कर दिया, तो फिर हमारा वाक्य सही हो गया। तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाता है, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब हमने ध्यान देना है कि हमारा वाक्य कहाँ गलत है। तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो। इच्छाओं की क्या कुछ सीमा है, भी प्रश्नवाचक वाक्य है, इच्छाओं की क्या कोई सीमा है। इच्छाओं शब्द गलत था, यहाँ हमने उसको सही किया, कोई कुछ की जगह आएगा कोई। वह ने मछुए को यह क्यों नहीं कहा, यह वह ने मछुए को वाक्य ही पढ़ने में कुछ सही नहीं दिख रहा है, तो यहाँ हमने कर दिया, उसने मछुए से यह बात क्यों नहीं कहा। आखिरी प्रश्न है, वेणी प्रसाद ने उसी को जा मिला और स्कूल घर में ही उठवा लाए। वेणी प्रसाद भी उसी से जा मिला और स्कूल घर पर ही उठवा लाए। मे की जगह पर, से की जगह को की जगह से।
तो इस तरह से आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि किस तरह से तुम लोग हम कौन कौन से शब्दों की ओर ध्यान ना देते हुए वाक्य में एक आध शब्द को सही करके ये समझते कि हमने हमारा वाक्य शुद्ध कर दिया। लेकिन अगर आप एक शब्द सही करते हो और दूसरे शब्द की ओर ध्यान ना देते हुए उसे वैसे ही छोड़ दोगे तो आपको कोई भी अंक नहीं मिलेगा। जब तक आपका वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होगा आपको इसमें कोई भी अंक प्राप्त नहीं होगा। कभी ये विद्यार्थी सोचते हैं कि हमने आधा सही किया है तो आधे का आधा अंक कभी नहीं मिलता है। वाक्य जब तक पूरा सही नहीं होगा आपको कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने वाक्य शुद्धिकरण का स्वयं भी कुछ वाक्यों को चुनकर उसका अध्ययन करने का प्रयास करना है ताकि आपको यह बात का ज्ञान हो सके कि हमें किस तरह से वाक्य शुद्ध करना है और वाक्य शुद्ध करते समय हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है और व्याकरण में किन किन चीज़ों का हमने उपयोग करना है और कहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एकवचन और बहुवचन शब्दों को प्रयोग में लाते हुए अपने वाक्य की ओर ध्यान देना है। इसके अलावा भाषा को भी समझना है कि कौन सा वाक्य यहाँ गलत है और हमें किस तरह से उस वाक्य को सही करने का प्रयास करना है। तो इस तरह से आप पाठ्यक्रम में व्याकरण भाग में वाक्य शुद्धिकरण का एक प्रश्न जो है वो लिया जाता है। तो आज हमने उसी विषय पर चर्चा की कि किस तरह से हमें वाक्य शुद्धि करते समय कौन कौन सी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है। आप स्वयं भी और अभ्यास करके स्वयं करके प्रयास करके अपने वाक्य शुद्धिकरण का शुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी के साथ आज मैं आपका वाक्य शुद्धिकरण के इस विषय को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।